तो भाई लोग कैसे हो, मैं आ चुका हूँ पार्ट फोर लेके वीडियो का सीरीज, जिसमें तुमको बताएगा कि तुम भाभी को बहुत ही आसानी से या किसी भी शादीशुदा औरत को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कैसे पटा सकते हो। तो भाई अगर अभी तक तुम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो भाई तुम लोग को पार्ट 4 नहीं समझ में आएगा, क्योंकि भाई ये पार्ट उस वीडियो के बाद का है और इसमें जो पॉइंट्स होने वाले हैं वो थोड़े बहुत अलग होने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले जाके तुम लोग पार्ट 1, 2, 3 पीछे वाला पार्ट देखो। मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा भाई, पहले उसको जाके देखो। अगर उसको देख के आते हो भाई ये वीडियो देखने, तो भाई तुम बहुत ही आसानी से किसी भी शादीशुदा औरत को या किसी भी भाभी या औरत को बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हो। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं, और भाई अगर चैनल पे पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को भी लाइक कर देना। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई पॉइंट नंबर 10 है, भाई तुम लोग जानते हो भाभी या किसी भी औरत को दूसरों की बुराई सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरों की चुगली करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो भाई तुमको क्या करना है, तो भाई तुमको भी दूसरों आंटियों की बुराई करनी है, दूसरों की चुगली करनी है उसे। तो भाई अगर वो ये सब सुनेंगे दूसरों की बुराई तुम्हारे मुंह से, तो भाई उनको बहुत ही अच्छा लगेगा और भाई बहुत ही जल्दी तुम उनको सेट कर सकते हो। तो भाई तुमको करना क्या है, भाई तुमको ये करना है कि तुम दूसरों की बुराइयां या चुगलियां जाके उनको उनसे करो, और जब भाई उनको करोगे उनसे, तो भाई दूसरों की बुराई औरतों को बहुत ही अच्छी लगती है और भाई वो तुमसे सेट हो जाएंगी। तो भाई पॉइंट नंबर 11, अगर तुम भाई आंटी या किसी भी भाभी को पटाने जा रहे हो ना, तो उनको ये पूरा यकीन दिलाओ कि जब हम आपको पटाने आ रहे हैं, तो भाई उनको पूरा यकीन दिलाओ कि वो 30 से 40 साल के बीच में नहीं है, वो है लड़की के एज में। उनको पूरा ये यकीन दिलाओ कि हम आपको जब पटाने आ रहे हैं तो हम आपको लड़की समझ के पटाने आ रहे हैं, क्योंकि भाई आंटी को कभी भी उनसे एज वगैरह कभी मत पूछो, नहीं तो भाई तुम्हारा खेल शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। तो भाई ऐसा उनको बताना है कि आप एकदम लड़की जैसे हो, एकदम स्वीट, एकदम मज़ा आ जाएगा आपको लेके। पॉइंट नंबर 12, अगर भाई तुम भाभी को पटाने जा रहे हो ना, तो भाई उनसे सिंपथी गेन करो। सिंपथी गेन मतलब कैसे कर सकते हो, तो भाई अगर उनको तुम ये बताओ कि मेरी पहले एक पिछले गर्लफ्रेंड थी, वो बिल्कुल ही आपके जैसे दिखती थी, आपके जैसे बात करती थी, आपके जैसे ही चलती थी, बोलती थी, उससे हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, पर वो हमसे प्यार वगैरह कुछ भी नहीं करती थी और वो हमको अच्छे से देखती तक नहीं थी और हम उस पर जान भी दे सकते थे, पर वो मेरे प्यार के काबिल थी ही नहीं और भाभी वो सेम टू सेम आपके जैसी दिखती थी, इसलिए आप हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, इसलिए हम सोचे थोड़ा आपसे बात कर ले और आपको पटा ले, क्योंकि हमको आपसे प्यार हो चुका है। तो भाई इतना सुन के भाभी क्या कोई भी औरत बहुत ही आसानी से पिघल जाएगी। तो भाई तुमको अब करना क्या है, जाके उनको सीधे आई लव यू बोलना है, वो भाई तुरंत पट जाएंगी तुमसे, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इतना सुन के भाई किसी भी औरत या किसी भी उस महिला के अंदर इतना ज़्यादा सिंपथी भर जाएगा तुम्हारे लिए कि भाई वो तुमको खुद प्रपोज कर देंगी, वो जो भी तुम कहोगे ना वो तुम्हारे लिए कर देंगी। तो भाई तुमको जाके ये 3 पॉइंट भाभी को बोलना है। और भाई तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ब्रो।